ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आपको सुबह उठकर किसका मुंह देखना चाहिए जिससे आपका पूरा दिन शुभ, मंगल और बहुत ही शानदार बीते, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही हमारे पूरे दिन की दिशा और निर्देशन को बताता है कि आज का दिन हमारे साथ क्या क्या चीज़ें सकारात्मक होने वाली हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं जीने के लिए, बाकी भविष्य है, बाकी भूत है, वर्तमान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है। तो इसकी शुरुआत में हमें किसका मुंह देखना चाहिए और क्या करना चाहिए, अगर आपको ये जान लेंगे तो शायद आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। ये कई सारे जातकों ने इस प्रयोग को उपयोग में लाया है और उन्हें 7 दिन 8 दिन के अंदर एक सकारात्मक, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक फायदा मिला है। सबसे पहले आपको कभी भी सुबह उठकर खुद का मुँह नहीं देखना चाहिए। बहुत से जातकों की और शायद आपकी भी ये आदत होगी। अगर आपकी ये आदत है कि हाँ आप सुबह उठकर खुद का मुंह देखते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। खुद का मुंह कभी ना देखें, ये गलती बहुत से जातक करते हैं, पर ये आप कभी ना करें। दूसरी सावधानी ये रखना है कि बहुत सारे जातक सुबह उठते ही एकदम से उठ जाते हैं। कभी भी एकदम से न उठे, करवट ले और शांति के साथ उठे, क्योंकि वहीं से हमारा पूरा माइंड सेटअप डेवलप होता है और माइंड सेटअप बनता है। क्योंकि एकदम हड़बड़ाहट में अगर आप सुबह जागते हैं तो उससे कई सारी चीज़ें जो हैं तकलीफदेह बनी रहेगी। अब मैं बताऊं कि किन का मुंह आपको सुबह देखना जो आपके लिए शुभ होगा, खासकर आपकी राशि के लिए। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे। या पर अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले आपको 3 लोगों के चेहरे मुंह देखने की चाहिए कोशिश करें। सबसे पहले है कि अपने माता पिता। अपने माता पिता का अगर आप चेहरा सुबह से देखते हैं तो दोस्तों आपके 9 के 9 ग्रह जो हैं कभी भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे। दूसरा है भगवान कृष्ण और राधा की वो मनमोहक तस्वीर जो आपको बहुत ही शांति महसूस कराए, अपने कमरे में जरूर लगा के रखें। उससे भी आपको बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली है। तीसरा है अपने गुरुदेव के, तो गुरुदेव की तस्वीर भी आप अपने कमरे में लगाकर देख सकते हैं या अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।